हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहां पर कि कारपेंटर जॉब के लिए क्या स्किल्स और एजुकेशन की जरूरत होती है। साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे कि कारपेंटर की क्या सैलरी होती है। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कारपेंटर जॉब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह क्या चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है वर्किंग एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो है वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वहां पर जो एक्सपीरियंस होता है वो कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस तो मांगा ही जाता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप किसी फर्म के अंदर अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को इसलिए जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो वर्क होता है वो एक ऐसे व्यक्ति से करवाया जाता है जिसको उसकी पहले से नॉलेज हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर का काम जो होता है वो एक असिस्टेंट के तौर पर होता है, कि अगर आप एक असिस्टेंट है, कारपेंटर असिस्टेंट है, तो वहां पर फ्रेशर पे वर्क कर सकते हैं, आपको जो काम बता दिया वैसे आप करते रहिए। लेकिन जो कारपेंटर होता है वो सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है फर्नीचर को बनाने की, ठीक है, जो भी इंटीरियर का वर्क है उसको डिजाइन करने की, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद से उस वर्क को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जो इंजीनियर होते हैं वो आपको एक प्लान दे देते हैं, ठीक है, नक्शा दे देते हैं, उस नक्शे को देखते हुए आपको यहाँ पर वर्क करना होता है, आपको उस हिसाब से डिजाइन को तैयार करना होता है। साथ ही साथ आपको जो मटेरियल का एस्टिमेट होता है वो भी आपको बताना होता है कि इस डिजाइन में कितने टाइप का मटेरियल लगेगा और क्या क्या चीजें लगेंगी, ठीक है, और कितना लगेगा, ठीक है, ये आपको बताना होता है इंजीनियर को। साथ ही साथ आपको उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकाल के देनी होती है कि इतना मटेरियल अगर यहाँ पर लगेगा तो फिर यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है, एक एस्टिमेट अनुमानित जो लागत होती है वो भी आपको यहाँ पर बतानी होती है। तो इस सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अनुभव होना चाहिए। जब आपको अनुभव होता है तो आप देख के चीजों को बता देते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि जो भी मार्केट के अंदर जो भी हम मटेरियल लेके आ रहे हैं उसका मार्केट के अंदर क्या इस टाइम पर करंट रेट चल रहा है, ठीक है, उस करंट रेट को जोड़ते हुए प्लस जो है मटेरियल को ऐड करते हुए और प्लस जो है हम जगह को देखते हुए कि कितने स्क्वायर फीट के एरिया का जो है हमें इंटीरियर करना है फर्नीचर का, ठीक है, तो उसको ऐड करते हुए हम जो है मटेरियल की कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, मटेरियल का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो जो पर्सन है जो कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करा उसका एक्सपीरियंस होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि जितना भी फिनिशिंग का वर्क होता है, जितने भी यहाँ पर जो है जैसे सफाई दिखाई जाती है, ठीक है, जो खूबसूरती दिखाई जाती है फर्नीचर के ऊपर, ठीक है, वो अगर आप एक्सपीरियंस है तभी आप जो है उस चीज को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो कुछ ऐसा काम होता है जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट ही ऐसे लेती है कि जितना भी उनका वर्क है वो एक से एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल वो वर्क होना चाहिए, उसकी वो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी देती है। साथ ही साथ जो उसके लुकिंग वाइज जो है जो उसकी डिजाइन है, ठीक है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए जो है जो फर्म्स होती हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज्यादा हायर करती हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कारपेंटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है कारपेंटर के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो कारपेंटर की जॉब के लिए ज्यादातर जो कंपनीज है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही हायर किया जाता है, कुछ कंपनियां जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट को भी हायर करती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कैसे पर्सन को वहां पर लेना चाह रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लिया जाता है, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट को भी हायर किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के जो कैंडिडेट होते हैं उनको हायर किया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको भी हायर किया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उनको भी हायर किया जाता है। डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी के ऊपर कि कंपनी कैसे कैंडिडेट को हायर कर रही है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस वाले कॉलम में जाके जरूर देख लें कि वहां पर फ्रेशर मांगे गए हैं या फिर वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उस चीज को आप देखते हुए अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि अगर आप कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम
कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई, आपका कम से कम 10th पास होना जरूरी होता है, आपने हाई स्कूल किया हो तो आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनी जो है वो 10th पास कैंडिडेट को हायर करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है मटेरियल नॉलेज, आपको मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए कि जो है सनमाइका क्या होता है, पिलाई क्या होती है, ठीक है, वुड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जितने भी जो है आयरन का मटेरियल लगता है जैसे कि कीले हैं, ठीक है, इस तरीके के जो भी आइटम है उनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सभी तरीके का जो जो मटेरियल वहां पर यूज होता है बनाने में, ठीक है, जितना भी गोंद यूज होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जितने भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ऑयल यूज किया जाता है, तो उसकी भी आपको जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। जितना भी मटेरियल जो है कारपेंटर के काम में यूज किया जाता है, बनाने में जो जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उस सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी जो है कोई फर्म में आप काम करने जाते हैं तो वहां पर जो आपके इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो परचेजर होते हैं जो मटेरियल को खरीद कर आते हैं, वो आपसे ही पूछते हैं कि इस काम में जो हमारा नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो लेआउट दिया जाता है, आप उसको लेआउट को वो दिखाते हैं आपको, ठीक है, उस लेआउट को देखने के बाद फिर आपको सभी चीजें जो है वहाँ पे एस्टिमेट बनाना पड़ता है। परचेजर है जो वहाँ पे मटेरियल आपके लिए खरीद के लाएंगे या फिर जो इंजीनियर है जो मटेरियल खरीदते हैं वहां पर, ठीक है, उनको आपको देना होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको इस तरीके की लिस्ट देनी होती है कि कितना जो है वहां पर वुड लगेगा, कितना प्लाई लगेगा, कितनी सनमाइका लगेगी, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कितनी कीले लगेंगी, कितने होल पास लगेंगे, ठीक है, इन सब की जानकारी देनी होती है। टफन ग्लास कितनी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल ग्लास की कितनी जरूरत पड़ेगी, जितनी भी चीजें मटेरियल यूज किया जाता है एक फर्नीचर को बनाने में, ठीक है, उन सब की जानकारी आपको वहां पर देनी पड़ती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है जिससे कि वो सारा सामान आ सके, तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्नीचर को बनाने का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है मटेरियल की नॉलेज, आपको मटेरियल की नॉलेज भी होना चाहिए। और मटेरियल की नॉलेज आपको कैसे होगी, वो होगी आपको एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाए उतनी तेजी से आपको मटेरियल की नॉलेज होने लगेगी। आप देख के बता देंगे कि कौन सी लकड़ी कैसी है, ठीक है, कौन सी लकड़ी कितनी ज्यादा बेहतर रहेगी एक फर्नीचर के लिए। बात करते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट नॉलेज, आपको जितनी भी फर्नीचर बनाने में मशीनें यूज होती हैं, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उसको चलाना भी आना चाहिए, उसको यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मशीनों से ये फायदा रहता है कि जो भी फर्नीचर आप बनाते हैं, ठीक है, उसमें टाइम भी कम लगता है, साथ ही साथ वो काम और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं जो बहुत अच्छा अच्छा वर्क करती हैं, ठीक है, तो जितनी भी नई तरीके की मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, उनको चलाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, उन मशीनों की जानकारी आपको यहाँ पर होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपका काम आसान हो जाता है। फ्रेंड इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप कारपेंटर जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे मशीनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मशीनों की भी जानकारी होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो है कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करते तो वहां पर आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो फर्नीचर होता है वो उठाना भी पड़ता है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा वजन होता है। दूसरी चीज, ये जो आपका काम है ये मेहनत का काम होता है, तो यहाँ पर आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कारपेंटर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कारपेंटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड होने से आपको ये फायदा रहता है कि आपके दिमाग के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइडियाज जनरेट होते रहते हैं फर्नीचर को लेकर, ठीक है, कि फर्नीचर में कौन सी डिजाइन ज्यादा बेस्ट रहेगी, हम इस फर्नीचर को कैसे बनाएं जो ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में ज्यादा खूबसूरत लगेगा, साथ ही साथ ये मजबूत भी होगा, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपका क्रिएटिव माइंड होना, ठीक है, आपके माइंड आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट तरीके के आइडियाज आने चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्रिएटिव माइंड के हों, ठीक है। कंपनी जो होती है वो आपको एक लेआउट तो देती है कि आपको इस तरीके से जो है फर्नीचर को डिजाइन करना है, लेकिन आपको अपना वहां पर दिमाग भी लगाना होता है, तो यहाँ पर आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कारपेंटर जॉब की ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कारपेंटर का क्या काम होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, कारपेंटर जॉब वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कारपेंटर का क्या काम होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी गुड होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है क्लाइंट कस्टमर और इंजीनियर के साथ में मीटिंग करनी होती है कि उनकी रिक्वायरमेंट को समझ
समझना होता है कि उनको किस टाइप का फर्नीचर चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट की नीड को देखते हुए, कस्टमर की नीड को देखते हुए और इंजीनियर की नीड को देखते हुए आपको फर्नीचर को तैयार करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इन सबके साथ में आपकी मीटिंग होती है, ठीक है, वो आपको जो है पूरा प्लान समझाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बातचीत होती है, तो वहां पर उसके लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको जो भी डिजाइन वो बता रहे हैं, ठीक है, जो भी वो आपको प्लान समझा रहे हैं वो अच्छे से आप समझ सकें, इसके लिए आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। असिस्टेंट कारपेंटर होंगे, ठीक है, और हेल्पर होंगे जो वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी टीम के साथ में अच्छे से वर्क करना है, आपकी जो भी टीम है, ठीक है, उसको आपको मोटिवेट भी करते रहना है और उनके साथ में अच्छे से काम करना है, ठीक है, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ ही साथ आपका जो वर्क है वो आसानी से कम टाइम में अच्छा वर्क हो सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर टीम लीडर भी क्वालिटी होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कारपेंटर जॉब में कितनी सैलरी मिल जाती है एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँ, आपकी सैलरी होती है वो आपको 15,000 से 20,000 रुपए तक की आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी का बजट कितना है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो वहां पर उसके ऊपर जो है कितना वहां पर पैकेज देंगी, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो मैंने जो आपको बताई वो अनुमानित बताई, अनुमानित सैलरी बताई है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी सैलरी है वो एक अनुमानित है, ठीक है, आपको इतनी सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनी में सैलरी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 से 20,000 रुपए आपको नॉर्मली सैलरी मिल जाती है, डिपेंड करता है टोटली कंपनी के ऊपर जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका बजट कितना है, उसकी पॉलिसी क्या है, ठीक है, जो वो कैंडिडेट को हायर करेंगे उनको वो कितनी सैलरी देंगे, टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है, अलग अलग कंपनी में सैलरी अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके एक और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके जितने नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।